अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान हेल्थ चैनल और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ग्रो योर बियर्ड इन फ्यू डेज़, यानी आप अपनी दाढ़ी के बालों को घना, काला, स्याह और जल्दी कैसे ग्रो करवा सकते हैं सिर्फ चंद ही दिनों में। यानी ईद आने वाली है और ईद आने को तकरीबन थोड़े ही दिन रह गए हैं, 9 से 10 दिन, और इन दिनों में सिर्फ 2 से 3 मरतबा आप इस रेमेडी पे को अपने दाढ़ी के बालों पे अप्लाई करके ना सिर्फ इनको घना और काला बना सकते हैं बल्कि एक अलग ही लुक दे देंगे आप। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने सुरमा ले लेना है। सुरमे की एक छोटी सी शीशी या कोई बोतल ले लेनी है जो कि बाज़ार से मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। आपके पास जिस भी ब्रांड का यूज़ कर लें, हमारे पास हाशमी वालों का था तो हमने वो यूज़ किया। सो इसको एक बाउल में आपने अलहदा से निकाल लेना है। इसके बाद आपने इसमें तकरीबन 1 चम्मच सिकाकाई और रेठा का तेल डाल लेना है। ये इससे आपकी दाढ़ी और के बाल बहुत घने और काले स्याह हो जाएंगे। जैसा कि आपने कुछ सेलिब्रिटीज़ का मैंने आपको बताया था कि आपने देखा होगा, ऐसे में आपको कुछ ये तस्वीर पिक्स में आप देख सकते हैं कि इस तरह के बाल आप भी अगर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर सिकाकाई और रेठा का ऑयल इसमें बहुत हेल्पफुल होगा। अब इसमें आपने क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, जो लौंग हम खानों वगैरह में यूज़ करते हैं उस लौंग का ऑयल मिलता है क्लोव ऑयल, वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप इजीली ढूंढ सकते हैं। सो आपने वो ऑयल ले लेना है और उसका वो भी 1 चम्मच ही डाल लेना है। गाइस ये ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया, हमें थोड़ा सा पतला चाहिए था तो हम इसमें मज़ीद 1 चम्मच सिकाकाई और रेठा का ऑयल और मिला देंगे ताकि ये मॉडरेट सा हो जाए। सो अब मेन बात आती है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें, किधर किधर करें। सो गाइस आपने अपनी फिंगर टिप्स पे सबसे पहले इसको अपनी फिंगर टिप्स को इसमें डिप कर लेना है अच्छी तरह। फिर आपने इसको आराम आराम से स्मूथली आराम आराम से इसको अपने दाढ़ी के बालों में फिंगर टिप्स से मसाज करना है, जिधर दाढ़ी है उधर भी और जिधर नहीं भी है उधर भी, क्योंकि आप जितना बेहतरीन तरीके से अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद और हेल्पफुल रहेगा आपकी जिल्द के लिए। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे को अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जिनको इस चीज़ रेमेडी की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।